उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन छाता के द्वारा पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर पत्रकार सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों ने शिरकत की। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की छाता इकाई द्वारा एक पत्रकार समारोह एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ANUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज बिहारी व पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ पत्रकार रूप चौधरी व NUJI के राष्ट्रीय सचिव उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट सहित जनपद के व तहसील के अनेकों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सभी आगंतुकों ने आज की पत्रकारिता को लेकर अपने अपने विचार रखे। NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी ने कहा कि आज पत्रकारिता में जो भी हम देख रहे हैं वह समाज के सभी क्षेत्रों में ऐसा दौर चल रहा है, चाहे कल का डॉक्टर हो या आज का डॉक्टर, चाहे वह कल का मास्टर हो या आज का मास्टर ग्राफर, चारों तरफ है, लेकिन केवल पत्रकार ही इसका दोषी नहीं है। NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि आज पत्रकारों की भीड़ सी नजर आने लगी है। कोसी कला के चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर, छाता नगर पंचायत के चेयरमैन बॉबी भैया, उप जिलाधिकारी छाता कमलेश गोयल, वरिष्ठ समाज सेवी दीपक चौधरी, भाजपा नेता चौधरी दिगंबर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश वत्स, कोसी थाना प्रभारी संजय त्यागी, ताराचंद शर्मा, एडवोकेट जवा प्रधान ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष राजवीर सिंह, एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान दास रोहिल्ला, यशपाल सिंह एडवोकेट बरसाना से, संवाददाता किशन चौहान, राकेश रतिया कोका पंडित किशन चौहान, राघव शर्मा कोसी कला से, राहुल सक्सेना, नवीन गोयल, सुरेश उपमन्यु, विष्णु कुमार, सोनू गोयल, हसीन, रौनक सुनील, अनंत मनीष गर्ग, चिंटू भार्गव छाता से, ब्रजकिशोर शर्मा, राजू वाष्णेय, प्रताप सिंह चौमुहा से, सतपाल सिंह, योगेंद्र सिंह छींकर से, शेरगढ़ से, गोपीनाथ तिवारी, प्रमोद पायला आदि अनेकों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन चौधरी पूरन सिंह एडवोकेट तहसील अध्यक्ष व सुशील भारद्वाज महासचिव ने किया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जो गलत आदमी अगर गलत है वो पत्रकार बनके लूट कर रखा, अगर जेल जा रहा है तो कहते जाने दो, शरीफ और ईमानदार पत्रकारों को जेल के खिलाफ कुछ भी होता है, झूठा फंसाया जाता है, जैसे माफिया लोगों ने पाल रखे हैं, आप उनकी खबर लेते हो तो चार ऐसे फर्जी पत्रकारों को आपसे गिर जाएंगे, आपसे एप्लीकेशन दिखा देंगे, फिर कंप्रोमाइज करके आप पे दबाव बना कि आप उनके खिलाफ नहीं लिखोगे तो लिखेंगे। ये ट्रेड बन गया है, उस ट्रेड के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। इसके लिए आप सब संगठित होकर के अपने बीच हम बदलेंगे जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो पहले हमें अपने अंदर देखना, एक कुत्ता भी होता है ना कोई पूछ छिला करके बैठता है, आप जब भी अपने ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करें तो सबसे पहले ये देखें कि हमने आज क्या किया, हमने किसी पीड़ित की आवाज और उसको न्याय दिलाया कि नहीं, अधिकारी से दिखा के अपने जो भी प्रिंट का जो भी आपका बैनर है उससे हमने ऐसा कोई कल्याणकारी काम किया कि नहीं किया। सुबह से शाम तक कुछ लोग ऐसे होते हैं बीयर की जुगाड़ में, लोग होते हैं 1000 रुपया कैसे गए, 500 रुपया पेट्रोल में कैसे गए, इसको भूल करके अगर इस लाइन में आए हो तो सच्ची और समाज सेवा और भारत सेवा और पीड़ितों की आवाज बन, यही मैं कहता हूँ हर बार, यही निवेदन है कि इसको आप लोग आज संकल्प के साथ आगामी हम जब पत्रकार का दिवस यहाँ मना रहे होंगे तो उसी में मैं आपके बीच में होगा, तो ये खबर मिले कि हमने अपना समाज बिल्कुल साफ किया, लुटेरे अपराधियों को पत्रकारिता में घुसने से रोका, जो बने हुए थे उन्हें हमारे मुक्ता चढ़वाने पर मजबूर किया कि इस लाइन में नहीं घुसने चाहिए। सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे अच्छा क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, जिसमें आप सबकी आवाज बन सकते हो, सेवा कर सकते हो, पर इसमें पत्रकार बने न एजुकेशन न मेडिकल फिटनेस, बस 500 रुपये किसी उसको दो और ये भूमिका का पट्टा लो और तुरंत गाड़ी पे प्रेस, ये इससे कैसे भी होता है, ठीक है। उन लोगों को भी समझना चाहिए भाई पत्रकारिता का काम पवित्र पेशा है, इसको बदनाम न करें। आज
मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। 35 साल कम से कम स्लाइड हो गए, मैंने सुराज जी, ब्रज किशोर जी, आज तक ये तुम्हें बता कोई हो, किसी से ये इनकी रिकॉर्डिंग हो, इनके बारे में कोई एप्लीकेशन हो, कोई भेज यहाँ छाता देखते थे इनके साथ, ऐसे लोग हैं। आज सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम करते हैं। लॉकडाउन में 2 साल बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, उनको हृदय से धन्यवाद और भगवान की इसी जो कल्याण की भावना है उसको जागृत रखे उनके अंदर। वह बसरते कुछ लोग हमारे बीच में, कुछ खनन वालों ने पत्रकार पैदा किए हैं, कुछ सटोरियों ने पैदा किए हैं पत्रकार, कुछ तुम्हारे भू माफियाओं ने पैदा किए हैं पत्रकार, कुछ तुम्हारे जो भी अवैध काम होते हैं आपके आसपास, उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए और कुछ ऐसे पत्रकार बने इस दौर में, आप मुश्किल से 200-250 पूरे जिले में पत्रकार कार्य करते होंगे ईमानदारी से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के, लेकिन 2500 लुटेरा तुम्हारी बेची, उसकी जिम्मेदारी है समाज को उनसे बचाना, उनको एक्सपोज करना, उनके खिलाफ मुहिम चलाना, ये सच्चे पत्रकारों का कर्तव्य है। एएचएस हिस्ट्री का इनामी अपराधी अगर जेल से बाहर निकलता है तो पत्रकार बन के निकलता है। मैंने ऐसे कई देखे जिनके नाम एएचएस थानों में लिखे हुए, वो पत्रकार बने नहीं है, बना रहे हैं लोगों को फर्जी आईडी लेकर के, ये 100 रुपये में मौका बनता है। ये बादशाह जो बना और पत्रकार बन गए, उन्हें किसी से परमिशन ना कोई आ रहा नहीं रजिस्ट्रेशन ना कोई कुछ, और पत्रकार बन गए और बना रहे हैं। तो ये जो घुसपैठ हुई है, ये जो अपराधियों की पत्रकार के रूप में घुसपैठ हुई है, उससे समाज को भी बचाना है, तुम्हें उनको एक्सपोज करना है अपने बीच से। कुछ लोग 1% जो पत्रकारिता करते हैं वो संरक्षण देने के आ गए, उन्हें उनसे लाभ हो जाता है। क्षणिक लाभ के लिए समाज को आपकी आपका कर्तव्य होता है, क्षणिक लाभ के लिए समाज को धोखे में मत रखो, ठीक है। तो मेरा यही निवेदन है कि अपने बीच में जो आए अपराधी जो इस देश में आए हैं, उनसे आपको समाज को और अपने आप को सुरक्षित रखना, समाज को बचाना है। जहाँ तक हो, मैंने बहुत बार देखा है सड़क, आज तक उन्होंने आपकी छवि उन लुटेरों के पत्रकार के रूप में आकर के आपकी छवि ऐसी बना दी है। इस जिले में पत्रकारिता मेरी 20-30 साल हो गए, सुभाष भाई बैठे यहाँ मंगला देखते थे, हमारे ब्रज किशोर हैं ये छाता से देखते थे, इस अफाड़ी महेश अब्बास ने जिन्हें चुने होते थे, कितनी इज्जत थी उस समय पत्रकारों की। कैश जब आपको वहाँ से गाड़ी लेके आते, CEO वहाँ जाके, हमें DM साहब हमारे घर आते, कप्तान साहब हमारे घर आते, और उस हिसाब से जिन्हें चुने होते थे, आज इतनी घुसपैठ है।